हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंशिएशन। ये हम लोग हमेशा कहते हैं ना, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करो, सॉल्व करो। तो एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या? फाइन, तो लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ की बात की थी, और मैंने बहुत बार आप लोग को कहा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कोई भी ग्राफ का स्लोप फाइंड करना। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया होता है तो अगर आप उसका स्लोप फाइंड कर लेते हो तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पे मिल जाती है, राइट? जिस किसी व्यूवर्स ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ यहाँ पर पॉज कीजिएगा। ऊपर मैंने लिंक प्रोवाइड की हुई है, उस लिंक पर आप वो वीडियो देखिएगा, बाद में यहाँ पर रिटर्न आइएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन है क्या, तो मैं आपको बता दूँ, डिफरेंशिएशन है स्लोप फाइंड करना। अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं फिजिक्स में? स्लोप्स। दैट्स इट, खत्म। तो सर, ग्राफ से क्या फाइंड करते हो? ग्राफ से स्लोप नहीं फाइंड करते, डिफरेंशिएट करने की क्या ज़रूरत है? तो आप लोग को अगर याद होगा कि प्राइमरी में जब आप लोग पढ़ते थे और जब आप सेकेंडरी में आए तो सबसे पहले आपका ग्राफ आया। मैथ्स टीचर आपको क्या देते थे ग्राफ सॉल्व करने के लिए? एक इक्वेशन, राइट? तो ग्राफ आप इक्वेशन से प्लॉट कर सकते हो, और हर एक ग्राफ एक इक्वेशन बताता है। मतलब ग्राफ एंड इक्वेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट दैट गिव्स द सेम मीनिंग, राइट? दो डिफरेंट डेफिनेशन है जो मीनिंग सेम देती है आपको। तो ग्राफ का स्लोप फाइंड करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया कैसे करते हैं, बट अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ हो आप उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हो? तो वो डिफरेंशिएशन से फाइंड करते हैं, राइट? तो ये जो कंसेप्ट दिया था ना, वो न्यूटन ने दिया था, राइट? सर आइज़ैक न्यूटन गेव दिस कंसेप्ट टू डिफाइन ग्रेविटी, राइट? हमें पता है कि एप्पल गिरा था, तो एप्पल जब गिर रहा था तो वो एक्सीलरेट हो रहा था, उसकी हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो न्यूटन ने देखा कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है, तो हम इसका एक्सप्रेशन कैसे देंगे, राइट? और मुझे कोई पॉइंट पे फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो उस इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए, उस पॉइंट की वेलोसिटीज को फाइंड करने के लिए न्यूटन ने पूरे के पूरा कैलकुलस फाइंड किया था, राइट? और उस कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, लिमिट्स पढ़ते हैं, फाइन? तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो डिफरेंशिएशन क्या है? इट्स जस्ट टू फाइंड आउट स्लोप, राइट? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट? तो y एक्स वाई ग्राफ आपको दिया हुआ है, जिसमें ग्राफ इक्वेशन के फॉर्म में हमने क्या लिखा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी मैं आपको बोलूँ कि x इक्वल्स टू 5 पर, x इक्वल्स टू 5 पर रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब स्लोप, राइट? दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? अगर मैं आपको ये फाइंड करने को बोलूँ तो आप क्या बोलोगे कि सर उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, और आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। लेकिन न्यूटन ने क्या किया? नो, नो नीड टू फाइंड आउट ग्राफ्स फॉर दैट। सिंपल क्या करो, आप इक्वेशन लो, उसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स की वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ग्राफ में आप सोचो कितने इम्प्रैक्टिकल वैल्यूज, अगर मैं आपको देता हूँ 5 मिलियन, एक्स की वैल्यू 5 मिलियन है तो वाई क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? तो वहाँ पर आप क्या करोगे? ग्राफ तो प्लॉट कर नहीं सकते, क्योंकि आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ छोटा सा हो जाएगा, मिलियंस ऑफ वैल्यू का ग्राफ एकदम स्मूथ तो आएगा नहीं, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, सिंपल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको पूछते हैं कोई पॉइंट पर, तो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, एक्स की वैल्यू रखो, आपको वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिल जाएगा। अभी ये तो ही मैथमेटिक्स की बात, फिजिक्स में कहां पे अप्लाई करोगे आप, राइट? जैसे वेलोसिटी, अगर वाई एक्सिस को आपने वेलोसिटी बोला है, एक्स एक्सिस को आपने टाइम बोला है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा? एक्सीलरेशन, राइट? तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको उस पॉइंट का एक्सीलरेशन मिलेगा। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा? वेलोसिटी, है ना? यही चीज़ फिजिक्स में बहुत आगे भी बहुत सारी जगह पे काम लगने वाली है, कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि y एक्सिस पर जो है उसका चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस पर जो है उसका चेंज, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन देगा मैथमेटिकली, राइट? तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? इज जस्ट टू फाइंड आउट स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट यूजिंग ओनली इक्वेशंस विदाउट ग्राफ। इतना ही एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में, फाइन? याद रखना ये हमेशा। ओके, चलो, आई होप यू हैव गॉट दिस कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।